हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल में आप सभी पाठकों का स्वागत करते हुए आपको एक हम ऐसे ट्रांसलेशन टिप्स को देने का प्रयास करेंगे जो प्रायः स्पोकन में यूज होता है। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आया हूँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारे नेक्स्ट अपलोडिंग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं, यदि स्पोकन में इंग्लिश बोलते समय आपके सामने ऐसे छोटे छोटे वाक्य मिल जाए तो उसको आप कैसे बोलेंगे। जैसे वह आने को है, तुम पढ़ने को हो, लड़के दौड़ने को हैं, अध्यापक पढ़ाने को हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आप छोटे वाक्य फंसा देते हैं, इंट्रिकेट कर देते हैं कि हम इसको हाउ टू एक्सप्रेस। तो ऐसी स्थिति में आइए हम देखते हैं, ये फ्रेंड्स ऐसे वाक्य आ जाए वह आने को है। तो इसके लिए आपका स्ट्रक्चर आप नोट करें, इसको लिखेंगे आप सब्जेक्ट प्लस इज आर आई एम प्लस वी वन, सॉरी इज आर आई एम के बाद लिखेंगे आप टू प्लस वी वन। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऐसे छोटे छोटे वाक्यों को अपने स्पोकन में इम्प्रेसिव बना करके बोल सकते हैं। आप देखते हैं इसको, वह आने को है, वह आने को है। अगर आपको कहना है तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट में लिखेंगे ही, इज आ रहे में ही एक वचन है इसलिए लिखेंगे इज, टू आने के लिए कम, ही इज टू कम, वह आने को है। तुम पढ़ने को हो, यू प्लूरल है इसलिए लिखेंगे आप आर, यू आर टू स्टडी, तुम पढ़ने को हो। ये फ्रेंड्स लड़के दौड़ने को हैं, लड़के दौड़ने को हैं तो आप लिखेंगे द बॉयज, द बॉयज प्लूरल में है इसे इसलिए आप लिखेंगे द बॉयज आर टू रन। इस क्रम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ऐसे बात मिले तो आपको इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप इसको बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, यदि इसी क्रम में कुछ आपको ऐसे छोटे छोटे वाक्य मिले जैसे पिताजी सोए हुए हैं, समाचार पत्र वाला आया हुआ है या दूध वाला आया हुआ है, तो आप कैसे बोलेंगे। सपोज कीजिए आपको कहना है मेरे पिताजी सोए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि ऐसे वाक्य है पिताजी सोए हुए हैं, दूध वाला आया हुआ है, समाचार पत्र वाला हिसाब करने आया हुआ है, तो आप ऐसी स्थिति में या सब्जी बेचने वाला सड़क पे आया हुआ है, आप इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी को कि सब्जी बेचने वाला सड़क पे आया हुआ है, ये सब्जी लेना चाहे तो ले ले, दूध वाला आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कंडीशन आपको मैं थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूंगा। ये वाक्य देखने में लग रहा है सोए हुए हैं, टफ लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है कि इसको हम कैसे करें। और जब हम स्पोकन बोलने का प्रयास करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश बोलते समय ये छोटे छोटे वाक्य कंफ्यूज कर देते हैं कि अब हम यहीं पर रुक जाते हैं। तो रुकना नहीं है, मेरे साथ सीख करके आपको फ्लुएंटली इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना है। तो मेरे पिताजी सोए हुए हैं कैसे आप बनाएंगे, ध्यान दीजिए वाक्य पर, पिताजी सोए हुए हैं इसका मतलब भी सो रहे हैं। आप समझिएगा फिर से कि पिताजी सोए हुए हैं, मेरे पिताजी, उसके पिताजी, तुम्हारे पिताजी, जो भी हो, मीन्स पिताजी सोए हुए हैं। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि सोए हुए हैं, यहां पर बता रहा है कि सोए हुए हैं माने भी सो रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, ऐसे वाक्यों को आप बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार बनाएंगे तो आप लिखेंगे माय फादर, मेरे पिताजी, तुम्हारे पिताजी है तो योर फादर, उसके पिताजी हिज फादर, माताजी मदर, जो भी है। तो मेरे पिताजी सोए हुए हैं मैं माय फादर इज स्लीपिंग, माय फादर इज स्लीपिंग, पिताजी सोए हुए हैं मैं पिताजी भी सो रहे हैं।
समझ रहे आप। तो फ्रेंड्स इस ढंग के वाक्य में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये कहना है दूध वाला बैठा हुआ है, दूध वाला आया हिसाब के लिए, अभी बैठा हुआ है। तो ये सेंस बता रहा है बैठा हुआ है माने उसके कार्य करने का जो सिचुएशन है वो अभी भी जारी है, बैठा हुआ है माने कहीं गया नहीं है, उसका कार्य जारी है, बैठने का जो क्रम है वो जारी है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार बनाते हैं। दूध वाला के लिए आप लिखेंगे द मिल्कमैन, द मिल्कमैन इज सीटिंग। ये कहना है दूध वाला बाहर बैठा हुआ है तो आप आउटसाइड, जहां भी जो सिचुएशन है, सड़क पर बैठा हुआ है, ऑन द रोड, दुकान पर है, इन द शॉप, जैसा सिचुएशन होगा वैसे आप यूज करेंगे। तो दूध वाला बैठा हुआ है, वह बैठा हुआ है, इसको कैसे करेंगे, या हम वह की जगह लिख देते हैं वे बैठे हुए हैं, वे बैठे हुए हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं वे प्लूरल में है तो आप यहां पर लिखेंगे दे आर सीटिंग। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको हम ट्रांसलेशन टिप्स दे रहे हैं ताकि अगर ऐसे वाक्य आपको फंस जाए, आपको बोलना पड़े तो वहां आपकी जुबान रुके ना, आप बोलते रहें, फ्लुएंटली बोलें। जो वाक्य आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं इन वाक्यों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि जरूरत पड़ने पर आप रुके ना। टेंस को मैंने पढ़ाया है तो आप टेंस को बिल्कुल जरूर रिवाइज करते रहिए, रिपीट करते रहिए ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। और आप ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे, छोटे छोटे वाक्यों को, तो निश्चित रूप से स्पोकन आपकी इम्प्रेसिव और स्ट्रांग बनेगी। तो भी आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, इस प्रकार इसको हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चाहेंगे कि यदि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक और शेयर करके अन्य लोगों तक लाभ पहुंचाएं, कुछ परोपकार का भी कार्य करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर और प्लान के साथ आपसे मिलेंगे। लाइक शेयर और कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।